नमस्कार फ्रेंड, एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ये करेंट अफेयर मार्च महीने से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, आज जो करेंट अफेयर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये करेंट अफेयर आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा करेंट अफेयर जो पहला क्वेश्चन है वो है, दोस्तों इससे पहले कि आप पूरा लेक्चर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, पहला जो करंट अफेयर वो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर मिताली राज बन गई है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। ये रन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में पारी में 28वें ओवर में बनाए। उसके बाद दोस्तों, मिताली राज की उपलब्धि के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसने 2003 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2015 में पद्मश्री मिला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को मिला था। और ये ICC विश्व कप फाइनल में कप्तानी ली थी उन्होंने और 2015-17 में कप्तान थी। हाँ दोस्तों, अगला जो करंट अफेयर हमारा इसरो का है। इसरो ने नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP। तो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे सेटेलाइट वगैरह से बहुत आते हैं, रेलवे वगैरह में। तो दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने वाले में सक्षम है। वो सिंथेटिक अपरेचर रडार के नाम से इसको SAR का नाम रखा हुआ है, पूरा किया है नासा और इसरो के कम्बाइन से। पृथ्वी अवलोकन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद निसार के बारे में। निसार ग्रह की सतह का 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तन को मापने के लिए 2 अलग रडार L और S का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन है। और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष है K7, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय पूछ लेते हैं तो बेंगलोर, और स्थापना पूछ लेता है तो गुनसित्तर में। उसके बाद इसका नासा का अगर पूछ लेता है तो Washington DC, और जो स्थापना पूछेगा तो 58। तो ये था दोस्तों इसमें करेंट अफेयर। अब दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किसके साथ? IBM के साथ। तो दोस्तों, IBM जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इस पे वैसे ही बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके बारे में आना तय है। तो क्या था, उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का क्या रीजन है? उत्तराखंड सरकार में के शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा उत्तराखंड के साथ सहयोग की घोषणा की है। स्टेम करियर में लड़कियों महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ IBM उत्तराखंड सरकार राज्य के बीच 3 साल के कार्यक्रम का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये अपना करेंट अफेयर था। इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्टेम क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित, स्टेम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें और भी कुछ IBM का पूछ सकते हैं। IBM के बारे में पढ़ लीजिए। IBM के CEO है अरविंद कृष्ण और IBM का मुख्यालय जो है अर्मोनक, न्यूयॉर्क। उत्तराखंड के बारे में पूछ लेते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्या और उत्तराखंड के जो CM है तीरथ सिंह रावत। अभी दोस्तों हाल ही में नए CM बने हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीरथ सिंह रावत जो कि पहले कौन थे, हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे शायद, तो उनकी जगह उन्होंने ली है। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।